इस साइड का, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिविल चेंजेस थे, तो वो सिविल चेंजेस अभी तक कितने इम्प्रूव हुए हैं वो आज हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो थी ऑब्वियसली जो भी प्लास्टर था, जहाँ पे भी क्रैक्स आए थे वो एक था, लेकिन जो सेकंड उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी फ्लोरिंग। यहाँ पे ये जो क्लाइंट है, यहाँ पे बजट उनका टाइट है, टाइम लाइन भी बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी फ्लोर है जहाँ पे भी एक्चुअल में क्रैक आए हैं या फिर वो फ्लोरिंग ऊपर, मतलब वो टाइल ऊपर उठी है, वहाँ पर एयर गैप क्रिएट हुआ है, सो वैसे सारे टाइल को निकाल के वहाँ पे नए टाइल्स रिप्लेस करने थे। सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ना वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी एक टाइल को अगर हम लोग निकालने जाते हैं तो उसके साइड के एक दो टाइल टूटने का चांसेस होता है, बट फिर भी हम लोग ने ट्राई किया है यहाँ पे, जितना भी हम लोग टाइल्स को बचा सकते हैं हम लोग मतलब वो ट्राई करेंगे बचाने का, अदरवाइज वहाँ पर नए टाइल्स रिप्लेस होंगे। सो ऐसी कभी भी साइड पे कोई कंडीशन आती है जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग टाइल्स को, मतलब वहाँ पे कुछ टाइल्स बचा के, मतलब जो निकल रहे टाइल्स उनको निकल के नए टाइल्स को रिप्लेस करना होता है, तो बेसिकली वहाँ पे ट्राई करो कि कुछ पैटर्न बन सके, या फिर आप कुछ जो भी टाइल्स होंगे वो ऐसे पैटर्न्स में लगे जहाँ पर दिखाई भी जाते कि वो एक नया टाइल है और एक एग्जिस्टिंग टाइल का डिफरेंस। सो यहाँ पे एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप साइड पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा सामान है और ये फिजिकली मतलब सब मूव करना टाइम टू टाइम ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर यहाँ पे जितने भी एक्चुअल में ब्रेक हो रहे हैं वहाँ पे टाइल्स चेंज हो रहे हैं। सो हम लोग ने स्टार्ट को सबसे पहले पैसेज से किया। सो पैसेज के यहाँ पे जाने से पहले आप पीछे देख रहे होंगे ये जो पूरा आप लोग वॉल पे कंसील देख रहे हो, ये पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। यहाँ पे जितने भी एक्सपोज्ड वायर थे वो अभी कंसील किए जाने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैसेज है यहाँ पे न्यू टाइल्स लगाई गई है, और यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो, तो यहाँ पे जो ये एग्जिस्टिंग टाइल है इसका और उसके आगे जो नया टाइल लगा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बट वो आफ्टर मतलब जैसे ही साइड फिनिश हो रही है जब सब क्लीनिंग होगा तो चांसेस है कि वो डिफरेंस हम लोग कम कर सकें। सो आपने देखा यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले पैसेज लिया, क्योंकि पैसेज ये एक ही एरिया था जो पूरा क्लीन था, यहाँ पे कोई भी सामान नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले पैसेज हुआ। अभी हम लोग जाते हैं बेडरूम में। सो अभी जैसे ही अब हम लोग बेडरूम में एंटर करते हैं तो आप ये पैच देख सकते हो, यहाँ पे टाइल्स थी वो पूरी टूटी हुई थी तो यहाँ पे टाइल्स निकालनी पड़ी। वैसे ही आप दूसरे साइड में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ कुछ टाइल्स है बीच बीच में, उनको निकाला गया है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में वो टाइल्स मतलब वो बचा ही नहीं सकते, बट अभी ये कंडीशन है साइड की, यहाँ पे अभी ऐसे ही काम हो रहा है, जो एक्चुअल में टाइल निकलने वाली है उसको निकाला जा रहा है, और जहाँ पे चांसेस है वो टाइल्स को बचाने के तो वहाँ मतलब वो टाइल्स को सेव किया जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहले यहाँ पे जो वायरिंग थी ये बेडरूम में, बेसिकली यहाँ पे एक वार्डरोब था और ये वार्डरोब का जो साइड फेस था वहाँ पे बोर्ड था, बट अभी हम लोग ने ये सब जितना भी जो एक्सपोज्ड वायरिंग था वो पूरा कंसील किया है। ये वायरिंग आप पीछे से पूरा देख सकते हो, यहाँ से वो जो वॉल है वहाँ पे जो बोर्ड है तो वहाँ तक उसको वायरिंग को कंसील किया गया है। सो अपने जो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा यहाँ पे जो वॉल्स की कंडीशन थी वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे पूरा प्लास्टर निकला हुआ था, जो पेंट था वहाँ पे मतलब सब पूरा डैमेज हो चुका था। सो इसीलिए यहाँ पे पूरा प्लास्टर जो भी ट्रीटमेंट थी वो करने के बाद टाइल से पूरे दोनों भी वॉल्स को फिनिश किया गया है, तो आप देख सकते हो कि मतलब वो टाइल से फिनिश करने के बाद अभी उसका लुक कैसे आ रहा है। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये था कि क्लाइंट ने ऑलरेडी ये टाइल्स को यहाँ पे कुछ साल पहले लगाया था, उनके टाइल्स जितने भी थे वो उन्होंने वैसे ही रखे थे, और वही टाइल हम लोग ने अभी यूज़ किए हैं और वो दोनों वॉल के लिए मतलब वो सफिशियंट हो गए, तो इसलिए काम भी हो गया और उसका फिनिशिंग आप देख सकते हो। सो आपने ये देखा जो भी चेंजेस थे वो हम लोग ने आपके साथ शेयर किए। ऐसे ही अगर साइट के बारे में या फिर कोई भी आपको सिविल के बारे में अभी तक आपने जो भी वीडियो में देखा उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
ताकि हम लोग आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑन साइट ही दे पाए, और वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि अभी साइट चालू है। कोई भी मतलब आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको अभी सॉर्ट आउट होते हैं, तो नेक्स्ट आपको जो भी प्रोसेसेस होने वाली है वो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय।